अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी चिकन डोनट की रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन डोनट और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया था एक चॉपर, उसके अंदर मैंने 200 ग्राम चिकन ऐड कर दिया था, बोनलेस चिकन। फिर उसके अंदर मैं ग्रीन ओनियन ऐड कर रही हूँ, फिर अभी हम उसके अंदर थोड़ी सी चिलीज ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कोथमीर ऐड कर देंगे। गाइस ये बहुत क्विकली बन जाता है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और ये बहुत चिकन की बहुत न्यू स्टाइल में बनता है और खाने में बहुत टेस्ट लगता है। और अभी हम इसके अंदर बॉइल्ड पोटैटोज़ ऐड कर देंगे। और अभी आते हैं मसालों पर। अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून गर्म मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अभी हम ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, चॉप्ड कर लेंगे अच्छी तरह से, जिस तरह से कबाब का पेस्ट होता है उसी तरह से बना लेंगे इसका भी। और अभी जब ये थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए फिर हम उसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे, उसको वापस से ग्राइंड कर लेंगे। जब ये ग्राइंड हो जाए तभी हम उसको एक प्लेट में निकाल के उसको हाथ से और अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके अंदर अपने स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड कर देंगे। अभी हमारा चिकन डोनट का मिश्रण वो एकदम रेडी है। अभी हम एक बाउल ले लेंगे, बाउल के अंदर 1 एग ऐड कर देंगे और उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करके उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और गाइस अभी हम हमारे हैंड्स को ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से हमारे जो डोनट है उसको डोनट का शेप दे देंगे और उसको एग में ऐड करके ब्रेड क्रम्स में ऐड कर देंगे। और इसी तरह से बाकी को भी बना लेंगे। तो अभी ये रेडी है, अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये भी जब दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन एकदम अच्छी तरह से हो जाएगा तभी हम इनको बाहर निकालेंगे। तो यार गाइस अभी ये एकदम रेडी हो गए फ्राई होके, और ये कितने क्विक और कितने जल्दी बन गए। आप भी गाइस इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत टेस्टी लग रहे थे, सबको ये बहुत पसंद आते हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक के मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़। अभी आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।